तो हेलो शिव के वीवर्स, गोस्ट राइडर एके निकोलस केज के हम सभी बहुत बड़े दीवाने हैं। और ना सिर्फ गोस्ट राइडर के लिए, हमने उनकी बहुत सारी मूवीज़ देख रखी हैं, जैसे कि नेशनल ट्रेजर, इसके अलावा फेस ऑफ, और ये सभी मूवीज़ मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज़ में से एक हैं। और निकोलस केज हम सभी के लिए और एक ज़बरदस्त मूवी लेकर के हमारे सामने आ चुके हैं, जो कि 14 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है, जिसका नाम है रेनफील्ड। और फाइनली हमें दिखने वाला है बहुत दिनों के बाद में एक मॉडर्न तरह का ड्रैकुला। मॉडर्न ड्रैकुला कहना सही नहीं होगा, लेकिन हाँ, डेफिनेटली इस मूवी में जो हमें निकोलस कैज का कैरेक्टर एज अ ड्रैकुला दिखने वाला है, डेफिनेटली एक बैड ऐसा, इतना बैड ऐसा कि वो किसी को मारने से पहले एक बार सोचता नहीं। वो सदियों से जी रहा है, इस अर्थ पर रह रहा है और यहाँ के लोगों का खून पी रहा है, उन लोगों को मार करके अपनी जिंदगी का जीवन यापन कर रहा है। हिंदी अच्छी हो गई मेरी, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। खैर, इस मूवी में ना हमें सिर्फ केवल ड्रैकुला दिखने वाला है, बल्कि हमें एक और करेक्टर दिखने वाला है जिसके पास में भी कुछ ड्रैकुला जैसी पावर्स हैं, वही चमगादड़ वाली कुछ पावर्स हैं। करेक्टर प्ले कर रहा है निकोलस हॉल्ट, हाँ वही वाले निकोलस जो हमें एक्समैन फ्रेंचाइजी में दिखे थे, भले ही वो मूवी बेकार थी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यार बात करें अगर इस मूवी की स्टोरी की, तो आपने बहुत सारी ड्रैकुला की मूवीज ऑलरेडी देख रखी है, काफी जानकारी हमें ड्रैकुला के बारे में ऑलरेडी अवेलेबल है। बहुत ही सारी मूवीज है 1980 से लेकर के अभी तक, बहुत सारी मूवीज ड्रैकुला के ऊपर ऑलरेडी बन चुकी। मगर इस बार ऐसा नया क्या है जो निकोलस केज हम सभी के लिए लेकर के आए, और क्यों हमें इस मूवी को जाकर के थिएटर में 14 अप्रैल को देखें? तो वो रीजन न सिर्फ निकोलस केज की एक्टिंग है, वो इस मूवी की स्टोरी हमें इसमें दिखाया जाता है। ड्रैकुला जो बहुत ही सदियों से जी रहा है, में हमको दिखाया जाता है एक एमी नाम का कैरेक्टर जो की एक ड्रैकुला का गुलाम होता है। मतलब वो ड्रैकुला उसे अपने कपड़े धुलवाता है, उसे सब्जियां मंगवाता है, उसे लोगों को सप्लाई करवाता है, लोगों का खून मंगवाता है, लोगों को मरवाता है और उनका खून चुसवाता है। प्यारी समझ गई। मगर सदियों तक गुलामी करने के बाद में एमी को एक दिन एहसास होता है कि गुरु उसकी जिंदगी केवल ये नहीं कि वो एक ड्रैकुला के लिए लोगों को मारे और उसका खून निचोड़ के लाए, और वो फाइनली बगावत पे उतर आता है ड्रैकुला के खिलाफ। अब ड्रैकुला उसको जिंदा छोड़ता है या उसको मार देता है, या वो अपनी जिंदगी को वापस अपने हिसाब से जी पाएगा, फ्रीडम के साथ में जी पाएगा, नहीं जी पाएगा, ये इस मूवी की स्टोरी होने वाली है। मूवी एक तरह की एक्शन कॉमेडी हॉरर का बहुत अच्छा मिक्सअप होने वाला है। तो अगर आपको कोई फ्रेशअप मूवी चाहिए, बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज को देख करके थक चुके हो, कुछ अलग सब देखने को चाहिए, ड्रैकुला के बारे में आपको इंटरेस्टिंग लगता है, ड्रैकुला के बारे में और जानने को सीखने को चाहिए, तो गुरु इस मूवी को डेफिनेटली देखना। 14 अप्रैल को रिलीज हो रही है, अच्छी मूवी है। डेफिनेटली जब इस मूवी को मैं देख लूंगा तो उसका रिव्यू आपके सामने लेकर के आऊंगा। तो उस रिव्यू को मिस ना करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं ऐसे गजब के रिव्यूज आपके लिए लेते रहता हूं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ में। टिल देन, शिव का रिव्यू। बाय बाय।